एक बड़ी खबर सामने आ रही है फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग को लेकर। राजस्थान के एजुकेशन हब कहे जाने वाले कोटा शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के कोटा शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग को लेकर। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर ने यह फैसला लिया है। कोटा में 22 मार्च से 21 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144। प्रतिबंध का फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने विरोध किया है। अग्निहोत्री ने आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को ट्विटर पर टैग कर विरोध जताया है। तो हम उनका ट्वीट भी आपको हमारे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने इस फैसले का विरोध जताया है। उन्होंने क्या कहा है हम आपको बताते हैं। डियर अनुराग ठाकुर जी, इफ द फिल्म ऑन राइट टू जस्टिस इज सैबोटेज बाय स्टेट इन अ डेमोक्रेसी, तो इस फिल्म को लोकतांत्रिक राज्य में दबाया जा रहा है, तो व्हाट शुड वी थिंक ऑफ जस्टिस, तो हम न्याय के लिए क्या सोचे। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी टैग किया है अपने ट्वीट में। डियर अशोक गहलोत जी, ओनली स्ट्रेंथ ऑफ टेररिस्ट इज दैट दे क्रिएट फियर एंड वी गेट अफ्रेड। तो उन्होंने अशोक गहलोत को ट्वीट करते हुए टैग करते हुए लिखा है ओनली स्ट्रेंथ ऑफ टेररिस्ट, मतलब आतंकवादियों की ताकत इस फैसले से बढ़ेगी और हम डरेंगे। डियर कश्मीर फाइल व्यूअर्स, इट्स योर टाइम फॉर जस्टिस। तो उन्होंने जो कश्मीर फाइल्स के दर्शक है उनसे भी अपील की कि यह आपका वक्त है न्याय के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग को लेकर राजस्थान के एजुकेशन हब कहे जाने वाले कोटा शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर ने यह फैसला लिया है। कोटा में 22 मार्च से 21 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144। प्रतिबंध का फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कड़ा विरोध किया है। अग्निहोत्री ने आईटी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्विटर पर टैग कर अपना विरोध जताया है।